बाबा आपने मेरी कहानी तो सुन ली लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताया। मिंटू क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारे इस तरह घर छोड़ने से तुम्हारे मम्मी पापा एक दूसरे से मिल जाएंगे? हाँ, लेकिन आप घर से बाहर क्यों हैं? बेटा वो घर मैंने बड़े शौक से बनवाया था, एक एक ईंट मैंने अपनी आंखों के सामने लगवाई थी। मेरा बेटा प्रकाश उसी घर में बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई, उसका लड़का पैदा हुआ, लेकिन अचानक उनको वो घर छोटा लगने लगा। अब उसको बड़ा तो कर नहीं सकते थे और ना ही नया घर बनवा सकते थे, तो उन्होंने सोचा मुझे आश्रम भेज दो ताकि घर का एक कमरा तो खाली हो जाएगा। तो आपने आश्रम जाना मान लिया? तो क्या करता, एक कमरे के लिए अपने बेटे और बहू से झगड़ा करता, मारपीट करता। आप तो आश्रम में भी नहीं रहे बाबा। मेरी आत्मा नहीं मानती बेटा, जब घर से ही निकाला गया तो अपने बेटे और बहू की कमाई से मैं आश्रम में क्यों रहता। मुझे हर महीने 300 रुपये पेंशन मिलती है, टीन के छपरे के नीचे पड़ा रहता हूँ और रोज सुबह शाम विजय को देख लेता हूँ। एक बार सुबह स्कूल को जाते हुए और शाम को स्कूल से वापस आते हुए वो देखो, वो मेरा विजय जा रहा है, वो दाएं वाला। पहले मिलता था स्कूल के बाहर जब आधी छुट्टी हो जाती थी, लेकिन एक दिन जब मैं उससे मिलने गया विजय बेटा देख, मैं तेरे लिए चिक्की लेकर आया हूँ जो तुझे बहुत पसंद है। विजय फेंक दो इसे। नहीं मम्मी, ये दादू लेकर आए हैं। तभी तो कह रही हूँ फेंक दो इसे, न जाने किस गटर से लेकर आए। बहू आप मुझसे बात मत कीजिए, आश्रम छोड़कर चले आए, यहाँ छुप छुप कर मेरे बेटे से मिल रहे हैं, जरूर हमारे बारे में कुछ अनाप शनाप बकते हो। बहू अगर ये तुम्हारा बेटा है तो मेरा पोता भी है। ये आपका कुछ नहीं लगता, आपने आश्रम छोड़कर हमसे सब रिश्ते नाते तोड़ दिए। तो क्या रिश्ते उस दिन नहीं टूटे जब मुझे घर से निकाला था? ठीक है, यही समझ लीजिए कि उसी दिन टूटे। अब आप हमारे बेटे से कभी नहीं मिलेगा। नहीं मां, ऐसे मत कहो, दादू बहुत अच्छे हैं। चुप रहे, खबरदार जो आज के बाद कभी दादू से मिलने की कोशिश की वरना स्कूल से निकालकर किसी हॉस्टल में डाल दूंगी। चलो। कभी विजय को नहीं मिला करूंगा। चल चल अब। अगर बहू मुझे दो थप्पड़ मार लेते तो मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन विजय का रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सका। मैंने उससे दोबारा मिलना ही छोड़ दिया।